पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। और है दुल्हन, पकड़ो उसे। दुल्हन छोड़ दो मुझे। अंकल, तुझे क्या लगा कि तू भाग जाएगी और हम ढूंढ नहीं पाएंगे? मेरा ब्याह तो होकर रहेगा, वो भी हमसे। नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। बड़े लोग शादी करते हैं ना, और मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची हूँ। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। ये तो एक बच्ची है और उसकी ये शादी कर रहे हैं, इसे तो ये शादी नहीं करनी। मुझे कुछ करना होगा। अंकल रुको, रुको अंकल। वाइसा का काम हो गया, अब वही होगा जो वो चाहते थे। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। नहीं रुको ना पंडित जी, रुक जाओ। अरे अंकल देखो देखो, ऐसे जबरदस्ती शादी करना बहुत गलत होता है। कौन है? भगाओ उसे यहाँ से। रानी साहब आप आगे आइए ना। हाय, कितनी गर्मी है, हुकुम की जाओ। हम वहां प्रतीक्षा करते हैं। रानी साहब, हम स्त्रियों का दूर से ही निरीक्षण करते हैं। आप पर्दे के इस ओर बैठ जाइए, हम आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे। पर्दा खींचिए। करिए नाड़ी परीक्षण महावैद्य जी। घबराओ मत, गर्भवती स्त्री को वहां भेज देंगे। वो कहेगी कि यहाँ कितनी गर्मी है, समझ लेना कि हम नहीं भेजा, बस फिर बदल लेना और देख लेना कि महावैद्य तुम्हारी कोनी उसकी नाड़ी की जांच करवाए। आपका धन्यवाद बाबू साहब, आपने बचा लिया, वरना आज तुम्हारा भांड फूट ही जाता। आपकी कोख में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, परंतु रानी साहब को अच्छे पोषण की नितांत आवश्यकता है। आप रानी साहब को पौष्टिक आहार दें, जैसे पालक का साग, मेवे, और हाँ इन्हें जल भी पीने को दें तो ताम्र के पात्र। अवश्य। मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। गिली 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 गिली
देखो एक्चुअली तो मैंने अपने हाथों पे घी लगाया था ताकि तुम लोग मेरे हाथ पकड़े रख पाओ। मैं भागना था तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, तुम ये पकड़ो। खत्म। अरे पकड़ो। नहीं मैं भेज दूँ। अंत में भाई साहब जैसा चाहते थे ध्रुव ने वैसा ही किया। आपसे अनुमति चाहते हैं हुकुम। हम यहां से सीधे हिमालय जा रहे हैं एक लंबी यात्रा के लिए। आपकी यात्रा सफल हो। हुकुम। लेनी थी आपसे वैद्य जी। ऐसा एक व्यक्ति है जिसने ना उलट सुलट कुछ तो खा लिया है जिसके कारण उसकी बुद्धि और बर्ताव दोनों ही बच्चों जैसा हो गया। आप ही बताइए कोई उपचार कोई उपाय हो तो। रानीसा बिना मिले बिना देखे कुछ भी कह पाना कठिन है, पर आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है तो हम बता देते हैं। एक जड़ी रूपी पुष्प है वो बड़ा कारगर हो सकता है। वो पुष्प बहुत ही दुर्लभ है, 7 वर्ष में एक बार उसकी उपज होती है। अच्छा क्या नाम है उसका वैद्य जी? आम बताने का प्रयास किया तो प्राण से जाओगे महावैद्य। अभी हमें स्मरण नहीं हो रहा है पर इतना याद है कि उस पुष्प को सप्ताह भर के लिए जहां रखा जाए पूरी जगह में उस पुष्प की महक बच जाती है। इसके उपचार का अनुभव हमारे पास नहीं है तो फिर आप बढ़िए हम करेंगे उपचार। जानते हैं ये जड़ी बूटियां और कहीं नहीं मिलती और इन्हें लाना अत्यंत आवश्यक था। सुरगंधा का पुष्प हाँ यही तो नाम था पर रनीसा आपको कैसे पता? आप भी वैद्य विद्या जानती हैं क्या? ऐसा है वैद्य जी हमारे पिछले जीवन की यादें तो धुंधली पड़ गई है हमारे दिमाग में। बस आशा करती हूँ कि प्रेम की रोशनी वो धुंध भी छाड़ते। जिस दिन ऐसा हुआ मैं स्वयं उस व्यक्ति का उपचार करूंगी। योजना सफल हुई भाई साहब। वो बालक बुद्धि ध्रुव बालिका वधू को भगा कर ले गया और किसी भी क्षण इस महल में आता ही होगा। ये क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो आप दोनों? ध्रुव वो चुटकू उस्ताद धान रुपाई करने गए थे, दोनों आ गए वापस? जी शौर्य बना दिन में सैनिक के साथ वापस आ गए परंतु ध्रुव का कुछ को नहीं पता। ध्रुव का कुछ को नहीं पता मतलब दोनों साथ गए थे तो साथ ही वापस आएंगे ना, ध्रुव कैसे पीछे रह गए? ओ राजा बाबू। हुकुम की जय हो। हुकुम आपसे मिलने कुछ गांव वाले आए हैं।
हम पास वाले गांव से आए हैं हुकुम, आपकी प्रजा है। रात के इस पहर में इस तरह हमारे पास आने का कारण? हमें न्याय चाहिए हुकुम। क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? हुकुम, आज हमारा विवाह होने वाला था, मगर एक छोड़ा बीच मंडप से हमारी होने वाली दुल्हन को लेकर भाग गया। ये अन्याय नहीं तो और क्या है हुकुम? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।